हेलो गाइस, वेलकम बैक। तमाम ड्रामा सीरियल्स की 2024 के पहले हफ्ते की टीआरपी आ चुकी है, तो आइए देखते हैं कौन सा शो इस हफ्ते कितने टीआरपी लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं एनटीवी के बारे में। अटल शो टीआरपी लेकर आया है 0.2, हप्पू की उल्टन पलटन की टीआरपी है 0.2, एक महानायक डॉक्टर बीआर अंबेडकर टीआरपी लेकर आया है 0.2 और भाभी जी घर पर है टीआरपी लेकर आया है 0.3। ये तकरीबन लास्ट वीक की तरह टीआरपी सेम आई है। अब बात करते हैं स्टार भारत की, तो सौभाग्यवती बाबा का सीजन 2 टीआरपी लेकर आया है 0.09, में आई कमिंग मैडम का सीजन 2 0.09, सावधान इंडिया टीआरपी लेकर आया है 0.1 और इसी के साथ आशिकाना भी टीआरपी लेकर आया है 0.1। सौभाग्यवती बाबा का सीजन 2 और में आई कमिंग मैडम का सीजन 2 दोनों ही बहुत जल्द ऑफ एयर होने वाले हैं। बात करते हैं अब दंगल टीवी के बारे में, तो पूर्णिमा टीआरपी लेकर आया है 0.7, नथ जेवर या जंजीर टीआरपी लेकर आया 0.6, मन सुंदर 1.2, दालचीनी 0.4, सासू माँ ने मेरी कदर न जानी 0.3, तो से नैना मिलाए के टीआरपी लेकर आया है 0.5। मन सुंदर, पूर्णिमा और दालचीनी तीनों ही शोज़ की टीआरपी में हमें 0.1 का इंक्रीज देखने को मिला है इस हफ्ते। कैसा है ये रिश्ता अनजाना टीआरपी लेकर आया है 0.4, लास्ट वीक की तरह इसकी टीआरपी सेम आई है। मन अति सुंदर टीआरपी लेकर आया है 1.2, लास्ट वीक 1.3 थी, इसमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। और दंगल टीवी का नया शो आईना टीआरपी लेकर आया है 0.7, इस शो की टीआरपी में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो दंगल टीवी का जो टॉप परफॉर्मर है वो मन सुंदर और मन अति सुंदर हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैनल की तरफ, जो है सोनी टीवी। सोनी टीवी का शो दबंगी टीआरपी लेकर आया है 0.3, सेम टीआरपी है। काव्या एक जज्बा एक जुनून की भी सेम टीआरपी 0.2, बरसाते की सेम टीआरपी 0.3, श्रीमद् रामायण 0.9 की ओपनिंग टीआरपी लेकर आया है। ये इस शो की फर्स्ट वीक की टीआरपी है जो काफ़ी अच्छी आई है। इंडियन आइडल की टीआरपी 0.9 तकरीबन सेम हमें देखने को मिली है। और झलक दिखला जा का नया सीज़न यानी सीज़न 11 सोनी टीवी पर टीआरपी लेकर आया है 0.7, इस शो की टीआरपी में हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। तो सोनी टीवी का जो टॉप परफॉर्मर है वो श्रीमद् रामायण और इंडियन आइडल है। अब हम बात करते हैं सोनी सब के बारे में। पश्मीना शो टीआरपी लेकर आया है 0.4, ध्रुव तारा समय सारी से परे 0.6, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीआरपी में हमें इंक्रीज देखने को मिला और टीआरपी बढ़कर आई है 2.2, वागले की दुनिया सेम टीआरपी 1.1, पुष्पा इम्पॉसिबल भी इस हफ्ते सेम टीआरपी लेकर आया है 0.9, वंशज शो टीआरपी लेकर आया है 0.5 और सोनी सब का नया शो आंगन अपनों का ये शो टीआरपी लेकर आया है 0.5। इन दोनों शोज़ की तकरीबन जो टीआरपी है वो लास्ट वीक की तरह सेम आई है। और इसका जो टॉप परफॉर्मर है सोनी सब का तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैनल जी टीवी की, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है सेम टीआरपी 0.4, एक कुड़ी पंजाब दी में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ 0.6 से 0.5 हो गई है। शिव शक्ति की टीआरपी 0.8 है, लास्ट वीक 0.9 थी, इसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ देखने को मिला है। राधा मोहन की सेम टीआरपी 1.2, भाग्य लक्ष्मी में डिक्रीज देखने को मिला 1.4 से टीआरपी 1.3 पर गिर गई है। कुमकुम भाग्य में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला 1.4 से टीआरपी 1.5 पर चली गई है। कुंडली भाग्य में भी इंक्रीज देखने को मिला, टीआरपी 1.5 से 1.6 हो गई। कैसे मुझे तुम मिल गए नया शो टीआरपी लेकर आया है 1.3, इसकी तकरीबन सेम टीआरपी आई है लेकिन लास्ट वीक 1.2 थी, तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। रब से है दुआ नए टाइम स्लॉट पर टीआरपी लेकर आया है 0.8, लास्ट वीक 0.7 थी, तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई इस शो की टीआरपी। अब हम बात करते हैं कलर्स टीवी की, बिग बॉस का सीज़न 17 2.0 की टीआरपी लेकर आया है, बड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला है इस शो में। सुहागन सेम टीआरपी लेकर आया है 1.3, उड़ारिया में डिक्रीज देखने को मिला, टीआरपी पिछले हफ्ते 1.6 थी, इस हफ्ते 1.4 हो गई है। परिणीति शो टीआरपी लेकर आया है 1.8, पिछले हफ्ते 1.9 थी, थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। शिव शक्ति 2.0 से 1.9 तक चला गया है। निर्जा एक नई पहचान की टीआरपी 1.4 आई है, पिछले हफ्ते निर्जा की टीआरपी 1.5 थी, तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है।
चांद जलने लगा अपने नए टाइम स्लॉट पर टीआरपी लेकर आया है 0.9। ये चांद जलने लगा शो की नए टाइम स्लॉट पर फर्स्ट टीआरपी है। इसके अलावा कलर्स टीवी का शो डोरी टीआरपी लेकर आया है 1.6। ये इस शो की सेम टीआरपी है। और कलर्स टीवी का नया शो मेरा बालम थानेदार अपने पहले वीक में टीआरपी लेकर आया है 1.5। ये इस शो की ओपनिंग टीआरपी है जो काफ़ी अच्छी आई है। कलर्स टीवी का इस हफ्ते जो टॉप परफॉर्मर है वो बिग बॉस सीजन 17 है। अब हम बात करते हैं स्टार प्लस की। तो स्टार प्लस का शो तेरी मेरी डोरियां 2.0 टीआरपी लेकर आया है। सेम पंडिया स्टोर सेम टीआरपी लेकर आया है 2.0। गुम है किसी के प्यार में टीआरपी लेकर आया है 2.5। थोड़ी सी इंक्रीज हुई है टीआरपी, पिछले हफ्ते 2.4 थी, इस हफ्ते 2.5 हो गई है। इमली की सेम टीआरपी 2.1। बातें कुछ अनकही सी टीआरपी लेकर आया है 1.9। लास्ट वीक 1.8 थी, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है टीआरपी लेकर आया है 2.4। सेम टीआरपी है लास्ट वीक की तरह। अनुपमा शो की टीआरपी में इंक्रीज हुआ है 2.6 से टीआरपी 2.7 तक चली गई है। ये है चाहते कि टीआरपी में डिक्रीज हुआ है 1.2 से टीआरपी 1.1 तक आ गई है। जनक शो की टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिला है 1.9 से टीआरपी 2.0 तक चली गई है। और आईटीए अवार्ड्स टीआरपी लेकर आया है 2.7। तो टॉप परफॉर्मर अनुपमा और आईटीए अवार्ड्स हैं। हर हफ्ते टीआरपी अपडेट्स हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।